हम सब जानते हैं लौकी खाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है, पर हम इसे खाते नहीं हैं। पर अगर इससे कुछ चटपटा और मजेदार बनाकर खाया जाए तो बड़े क्या, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो आज हम बनाएंगे लौकी के कबाब। ये बाहर से जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट हैं। तो चलिए बनाते हैं लौकी के कबाब। लौकी के कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी, जिसे मैंने पहले से ही पीस के उसका जूस निकाल लिया है। अब हम इस किसी हुई लौकी को एक बोल में ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ धनिया। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। हमने इस स्टेज पे नमक नहीं डाला है, नहीं तो लौकी पानी छोड़ना शुरू कर देगी। अब बारी है बेसन डालने की। बेसन यहाँ बाइंडिंग का काम करेगा। बेसन को आप अपने अंदाज से ही डालें, पर ध्यान रहे ज्यादा ना डालें, नहीं तो लौकी का स्वाद नहीं आएगा। अब हम इस कबाब के मिक्सचर में नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएं और कबाब का मिक्सचर लेके उसे अपने पसंद अनुसार कोई भी शेप दें। मैंने यहाँ इन्हें सिलेंड्रिकल शेप दिया है। और एक एक करके कबाब को धीरे से डालें। हमें इन कबाब को मीडियम आंच पर गोल्डन फ्राई करना है। जैसे ही कबाब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इन्हें हल्के हाथों से पलट दें। हमारे कबाब में बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे कबाब के साथ एक साइड डिश, जो कि रेस्टोरेंट्स में दिया जाता है। इसके लिए एक पैन में तेल गरम करें और उसपे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई करें। इसमें डालें स्वादानुसार नमक और काली मिर्च का पाउडर। जैसे ही ये फ्राई हो जाए, इसे एक बोल में निकाल लें। हमारे लौकी के कबाब बिल्कुल तैयार है। ये बाहर से जितने क्रिस्पी है, अंदर से उतने ही नरम और स्वादिष्ट है। ये आप सलाद, सॉस और फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें।